हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में शेफ सिद्धांत। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे साबूदाना की खीर। चलिए बनाते हैं। साबूदाने की खीर बनाने के लिए 200 ग्राम साबूदाना लेंगे। साबूदाने को अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद साबूदाना को एक कटोरे में डालेंगे और 300 ग्राम दूध डालकर साबूदाना को अच्छे से सोक कर लेंगे। साबूदाना को हमें 5 से 7 मिनट तक सोक करना है। हमें एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में 500 ml दूध डालेंगे। दूध को हमें बॉईल कर लेना है। दूध बॉईल होने के बाद साबूदाना को कढ़ाई के अंदर डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिलाते रहना है। अच्छे से पकने के बाद अब हम चीनी डालेंगे। चीनी इतनी ही डालनी है जितना आपको मीठा पसंद हो और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी केसर डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, चॉप किए हुए काजू डालेंगे और बादाम डालेंगे। साबूदाने की खीर हो गई है तैयार। अगर साबूदाने की खीर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेफ सिद्धांत।